दोस्तों नमस्कार। आज हम रिपेयर करेंगे। ये एमटेक्स का होम थिएटर है और इसमें चार चार इंची सबवूफर रहता है और तीन तीन इंची के इसमें स्पीकर होते हैं चारों बॉक्सों में। तो यहाँ पे इसका मॉडल नंबर है, मॉडल नंबर 4.1, और जो ये लिखा है ये मॉडल नंबर है इसका। तो इसको हम चेक करेंगे इसमें दिक्कत क्या है। तो ये हमने प्लग लगा दिया यहाँ पे और ये ऑन हमने मतलब पहले से ही है। तो यहाँ पे ये शायद सही अब हो गया है, मैंने सोचा नहीं चालू किया था बोर्ड से, ये चालू हो गया है। और अब हम इसमें पेन ड्राइव लगाएंगे और बताएंगे इसमें क्या मिस्टेक है। तो दोस्तों इसमें आप देख सकते हैं बेस तो आ रही है और अब हम ये स्पीकर लगाएंगे। तो यहाँ पे इनपुट के हैं दोनों वायर, मतलब दोनों पिन, और ये हैं आउटपुट के चारों। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सिर्फ कड़कड़ाने की आवाज आ रही है, लेकिन इसमें कोई भी इसमें सॉन्ग्स की आवाज नहीं आ रही है। तो इसमें खोलते हैं इसको और इसको रिपेयर करते हैं इसमें क्या दिक्कत है। तो इसको खोल लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये हमने खोल लिया है और इधर आप देख सकते हैं इसमें तीन आईस लगी हुई हैं। एक लगी हुई है बेस के लिए और एक आईसी लगी हुई है दो स्पीकर चलाने के लिए, और दूसरी आईसी है जो वो भी दो स्पीकर चलाएगी। तो इधर हम आईसी चेक कर लेते हैं इसकी। तो यहाँ पे हम चार स्पीकर लगा लेते हैं आउटपुट में। ये आउटपुट है इसके चारों पिन, तो ये लगा लेते हैं हम चारों के चारों। तो ये मैंने चारों स्पीकर की पिन यहाँ पे लगा दिया है और होम थिएटर की पिन है जो वो भी हम यहाँ पे लगा लेते हैं सीरीज बोर्ड में। और ये चालू भी हो गया है। तो इसका बेस हम बंद कर देते हैं और वॉल्यूम फुल खोल देते हैं। और यहाँ पे हम टच कर मतलब ऐसे हाथ से टच करके देखेंगे। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं ये बेस की जो आईसी है इस पे आवाज आ रही है, और यहाँ पे लगाएंगे दोनों आईसीयों पर जो बॉक्सों की चारों बॉक्स की आईसी हैं इन पर कोई भी आवाज नहीं आ रही है। अब हम इन पर वोल्टेज भी चेक कर लेते हैं इस पर वोल्टेज आ रहे हैं या नहीं। तो यह मल्टीमीटर तो यहाँ पर रख लेते हैं, और ये जो पेन है ये हम ग्राउंड पर लगा लेते हैं कहीं भी, इस पर लगा लेते हैं इसकी हीट सिंक पर। और यहाँ पे हम इसके वोल्टेज चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें +14 वोल्टेज आ रहा है और यहाँ पे इसका 12 वोल्टेज आ रहा है। तो इस पे वोल्टेज ओके है, वोल्टेज इस पे ओके है। और यहाँ पे भी चेक कर लेते हैं वोल्टेज इन पे आ रहा है, लेकिन ये चालू नहीं है आईसी। तो हम ये आईसी बदल देते हैं और हाथ लगाने पर ये बहुत ही गर्म हो रही है दोस्तों। तो इससे भी आप समझ सकते हैं ये आईसी खराब है अगर ज़्यादा गर्म हो रही है तो। और नॉर्मल थोड़ी कम गर्म है तो थोड़ी तो होती है चलती है जब। तो इसकी आईसी हम दोनों निकाल लेते हैं। तो दोस्तों आईसी के जो स्क्रू हैं वो हम खोल लेते हैं। इसमें काफ़ी छोटे वायर हैं इसलिए दिक्कत हो रही है रिपेयर करने में। दोस्तों बहुत ही टाइट है, इसके स्क्रू कसे हुए हैं।
इस पेचकस से तो नामुमकिन है, बड़े पेचकस से हम इनको खोल लेते हैं। और दूसरी आईसी का भी ये नट हम खोल लेते हैं। और अब हम इनको करते हैं डीसोल्ड, यहाँ पे रख लेते हैं इसको। अब हम इन दोनों आईसीओं को डीसोल्ड कर लेते हैं। तो दोस्तों जब तक हम आईसी निकाल रहे हैं तब तक आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लें, ताकि आपको जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों इस तरीके से डीसोल्ड कर लेना है। आप चाहें तो डीसोल्ड वायर भी आता है, उससे भी डीसोल्ड कर सकते हैं, या एक पंप आता है डीसोल्ड करने के लिए, उससे भी डीसोल्ड कर सकते हैं, लेकिन ये तरीका मुझे सही लगा इसलिए मैं इसी से ही डीसोल्ड कर लेता हूँ। दोस्तों हमने इसको डीसोल्ड कर लिया है और अब हम आईसीओ को उस तरफ से बाहर निकाल लेते हैं और फिर देखेंगे कि ये किस नंबर की आईसी है। तो इसको प्लायर की मदद से हम निकाल लेते हैं। तो दोनों ये आईसी हमने निकाल ली है दोनों, और इन पे पर्ची लगी हुई है, ये हटाते हैं और देखते हैं इसमें नंबर क्या है। तो दोस्तों इसका जो नंबर है वो है D2030। आप चाहें तो कैमरे में अगर देखे तो दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो ये D2030 आईसी है और इसको भी हम देख लेते हैं, ये भी वही सेम आईसी है। इसका भी मैं नंबर आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। तो आप चाहें तो इसमें TDA भी 2030 भी यूज कर सकते हैं, और D2030 है तो अच्छा है क्योंकि ये आईसी अच्छी आती है। तो दोस्तों ये है D2030 आईसी, आप देख पा रहे होंगे इसका नंबर कैमरे में। तो ये 5 टांग की रहती, मतलब 5 पिन की रहती है, इसमें 5 पिन होती हैं। तो ये हम लगा देते हैं। यहाँ पे हमने लगा दिए और दूसरी आईसी है जो वो भी हम यहाँ पे लगा देते हैं। और यहाँ पे हम इसके जो स्क्रू थे वो कस देते हैं। तो इसका स्क्रू हमने कस दिया है। अब जो दूसरी आईसी है उसका भी हम स्क्रू टाइट कर देते हैं। ये भी हमने टाइट कर दिया है। और यहाँ पे अब हम इसके बैक साइड में जो इसकी पिन है उन पर सोल्डरिंग करेंगे, और सोल्डरिंग अच्छे तरीके से करें, एक दूसरे में टच ना हो, नहीं तो आईसी खराब हो जाएगी।
दोस्तों यहाँ पर हमने सोल्डरिंग कर दिया है, और सोल्डरिंग करने के तुरंत बाद आप होम थिएटर या कोई भी चीज़ जिसकी आईसी बदली हो वो चालू ना करें, क्योंकि आईसी उस समय गर्म होती है जब हम उसको सोल्डरिंग कर रहे होते हैं, तो वो ख़राब हो सकती है। तो मैंने ये सोल्डरिंग कर दिया है और थोड़ा वेट करते हैं हम इसका ठंडा होने का, फिर हम इसको चालू करेंगे। तो दोस्तों मैं थोड़ा रुक गया था और ये ठंडा हो चुकी है तब तक। अब मैं फिर से इसका प्लग लगाता हूँ सीरीज बोर्ड में, तो यहाँ पे चालू हो चुका है। तो इसका बेस आप सुन पा रहे होंगे, बेस मैंने बंद कर दिया अभी, और कोई एक सा स्पीकर हम उठा लेते हैं और एक एक करके हम चारों अपनों में चेक करते हैं। तो दोस्तों इस पिन में आवाज आने लगी, और इसमें मतलब चारों पिनों में हम चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं चारों पिन इसके चालू हो गए हैं। दोनों आईसी चेंज करना पड़ी हमको, ये खराब आईसी थी। अब मैं चारों पिन बक्सों की लगाता हूँ इसमें। वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट करें ऐसे ही वीडियो देखने के लिए। मैं रोजाना एक ना एक वीडियो अपलोड करता रहता हूं, तो आप भी ये मतलब वीडियो देखकर कुछ सीख सकेंगे। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।